बिहार के राजनीतिक गलियारों में कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने को लेकर अटकलें चल रही हैं। वहीं अब कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा तेज हो गई है। डिप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केंद्र नेतृत्व का निर्देश मिलने के बाद ही कैबिनेट विस्तार पर आगे पहल की जाएगी। डिप्यूटी सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व से इस संबंध में बातचीत हो चुकी है और उस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। दरअसल वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कैबिनेट में खाली हुई सीट को जल्द ही भरने का काम किया जाएगा। सहनी के एनडीए से हट जाने के बाद उनके पशुपालन और मत्स्य विभाग का कार्यभार जो है वो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पास ही है। ऐसे में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को सारी बातें बता दी गई है, केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर फैसला लेगा। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों से चर्चा ये भी है कि बीजेपी और जेडीयू के कई मंत्रियों का विभाग भी बदल सकता है और कुछ नए चेहरों की एंट्री भी तय मानी जा रही है। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ संवाद करेगा। सहमति बनने के बाद ही कैबिनेट विस्तार की आधिकारिक घोषणा हो पाएगी। हालांकि डिप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हाल के दिनों में विधान परिषद चुनाव, विधानसभा उपचुनाव और जगदीशपुर में विजयोत्सव कार्यक्रम में पार्टी के नेता व्यस्त रहे हैं और अब सब कुछ निपटा लिया गया है, लिहाजा आगे इस पर फैसला होने की उम्मीद है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने को लेकर हो रही बयानबाजी के संबंध में तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसे में इन सब बेकार की बातों पर हो रही बयानबाजी पर अब विराम लगना चाहिए। जनता ने 2025 तक मैंडेट दिया है, नीतीश कुमार के साथ हम लोगों की सरकार बेहतर चल रही है, इसलिए इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व है उससे इस संबंध में बात ना हो रही है। हम लोग इधर चुनाव और जगदीशपुर जो इतना बड़ा कार्यक्रम मिला और एक कीर्तिमान स्थापित हुआ राष्ट्रीय झंडे के साथ, कितनी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर राष्ट्र के प्रति जो स्वाभिमान का भाव होता है, तिरंगे के प्रति जो सम्मान ये है, भूपेंद्र प्रसाद यादव कौन है। लेकिन अब हम सब बहुत जल्दी राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके इन सारे चीज़ों को हम सब रिजॉल्व करेंगे। सर, बार बार ये चर्चा होती है कि राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे, दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मंडल पे नहीं पड़ते हैं, काफ़ी संवेदनशीलता से उनके नेतृत्व अपने नेतृत्व में बिहार के एनडीए सरकार को चला रहे हैं और पूरे 5 वर्षों के लिए हम सभी सरकार में हम सबको जनादेश भी मिला है और उनके नेतृत्व को भी हम सबों ने स्वीकार किया है। उसमें इस तरह की बातें यदि अनावश्यक रूप से चर्चा में आती है, इसका कोई औचित्य नहीं है। सब बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए उनके नेतृत्व केंद्र में भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत की सरकार काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार है और हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व इस तरह की बातों का चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है और इस पर विराम लगना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हानि का कुछ इश्यूज है तो हम इनको भेज